गोविंदगढ़ कस्बे के आंगनवाड़ी केंद्र नंबर 5 पर मंगलवार को गोद भराई दिवस एवं प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र पर विमलेश जयश्री बबली रजनी की गोद भराई की गई और उन्हें चुनरी उड़ाकर तिलक लगाकर यह कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में रंगोली के माध्यम से संतुलित आहार का प्रदर्शन भी किया गया था, जिसमें अन्य महिलाओं ने भी भाग लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं द्वारा सुरक्षित प्रसव व संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी। गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया तथा 3 वर्ष पूर्ण होने पर बच्चों का प्रवेश उत्सव भी बनाया गया। उन्हें साल पूर्व शिक्षा के लिए प्रेरित किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हरभजन कौर ने बताया कि इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को अच्छे सेहत के लिए पोषण की आवश्यकता व महत्व के बारे में जानकारी दी गई। आज यहां गोद भराई दिवस मनाया गया है। गोद भराई रस्म में क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं अन्य महिलाओं ने भाग लिया। सेविकाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं के सम्मान में उसे चुनरी ओढ़ा, उसे तिलक लगा और गर्भस्थ शिशु की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गोद में पोषण संबंधी पुष्ट आहार फल सेब संतरा बेदाना दूध देकर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन की गोली खाने की सलाह दी गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बलविंदर कौर ने बताया कि महिलाओं को गर्भधारण की पुष्टि हो जाए वे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक के निगरानी में रहें तथा नियमित रूप से चेकअप करवाएं। आखिरी महीनों में शरीर को अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस दौरान आहार में प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट के साथ वसा की भी मात्रा का होना जरूरी होता है। कार्यक्रम में महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, प्रसव पूर्व देखभाल, एनीमिया की रोकथाम व पौष्टिक आहार के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बबीता रानी, मीनू गुगनानी, सत्या अरोड़ा, बलविंदर कौर, हरभजन कौर, सपना मीणा एवं सहायिका सुनीता, कमला सेन, नीलम लक्ष्मी, शशिकांता सहित गर्भवती महिलाएं एवं उनके परिजन मौजूद रहे। प्रवेश उत्सव और गर्भावस्था प्रसव का कार्यक्रम आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सामूहिक स्तर पर किया गया, जिसमें गर्भवती व अन्य महिलाओं को एक अवेयरनेस के लिए मतलब सुझाव दिया गया, उनके सुरक्षित प्रसव व संतुलित आहार के बारे में कुछ जानकारियां भी साझा की गई।